हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशा सिंह। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं कैसे बनाती हूँ एक करी। चलिए देखते हैं, लेट्स गेट रेडी। तो यहाँ पे हमने रख दिए हैं जीरा और सूखी मिर्च, इन सभी चीजों को हम ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें मैंने दो प्याज काट के इसमें रख दिए। अब इसको फाइन चॉप करेंगे हम। तो गाइस, ये हमारे अनियन चॉप हो गए हैं। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने वो पेस्ट बना लिए हैं और इसमें थोड़े से अनियन लिए हैं, तेज पत्ता और जीरा थोड़ा सा लिया है, नमक लिए हैं, हल्दी लिया है, थोड़ा मिर्च पाउडर लिया है, मीट मसाला और थोड़ा सा जीरा का पाउडर लिया है और बटर लिए हैं 1 टेबल स्पून लिया है बटर। प्याज जब गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तब हम इसमें वो मसाले ऐड करेंगे। गाइस, आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें मसाले कम ज़्यादा डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप कितना डालना चाहते हो, कितने लोगों के लिए बनाने वाले हो। अरे, प्याज गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, अब हम जो पेस्ट बनाए थे वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। तो गाइस, अब इसको हम करीब 5 से 8 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे, जब तक इसका तेल साइड से ना निकल जाए। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो, ये मसाले थोड़े से भुन चुके हैं। अब हम इसमें थोड़े से पाउडर्स डालेंगे मसालों के, थोड़े से हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और ये मीट मसाला। आप चाहे तो इसको लास्ट में भी डाल सकते हो, पर मैं इसको अभी डाल रही हूँ। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब इसको थोड़ी देर पकने देते हैं। आप चाहो तो इसमें पोटैटोस डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा बटर ऊपर से डाल सकते हैं, टेस्ट अच्छा आता है इससे। अब इस मसाले में हम अपने सारे अंडों को डालकर अच्छे से मिला लेंगे और ये सब अंडों में थोड़े थोड़े छेद कर दीजिएगा, ऐसे। आप स्पून से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, ऐसे कर दीजिएगा ताकि जो मसाले का टेस्ट है वो अंडे के अंदर भी आए। और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, फिर इसमें आप जितना इसको गाढ़ा रखना चाहते हैं उतना पानी डाल लेंगे और 5 मिनट के लिए खोल ले देंगे। उसके बाद हमारा एक करी रेडी है। आप चाहे तो ऊपर से थोड़े कोरिएंडर को डाल सकते हैं, ऊपर से अच्छा लगेगा, पर मेरे पास है नहीं इसलिए मैंने नहीं डाला है। अब इसको 5 मिनट के लिए उबाल आने देंगे, उसके बाद हमारा एग करी रेडी हो जाएगा। आप इस एग करी को रोटी के साथ खाइएगा, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। हमारा एग करी बनकर रेडी है। तो गाइस, आप भी इसको ट्राई करें, घर पे बनाएं और खाएं।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।